दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 दिनों के अंदर हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद, ATR 72 यात्री विमान के परिचालन को मिली अनुमति। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से निपटने हेतु बैठक का आयोजन, इसके खतरों से निपटने बस्तर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। संविलियन की घोषणा के साथ ही शिक्षकों में खुशी की लहर, मुख्यमंत्री का माना आभार। और चाइल्डलाइन द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बच्चे हुए पुरस्कृत, बताया गया स्वच्छता का महत्व। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर से हवाई सेवा 15 दिनों के अंदर दोबारा शुरू हो सकती है, इसके लिए DGCA ने अनुमति दे दी है। अलायंस एयर के द्वारा ATR 72 विमान का संचालन शीघ्र ही किया जाएगा। विमान का संचालन रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से हैदराबाद और इसी तरह हैदराबाद से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर के बीच संचालित होगा। बताया गया कि रायपुर से राजस्थान जयपुर के लिए भी इसी विमान के माध्यम से यात्रा सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। जगदलपुर से दोबारा विमान सेवा की शुरुआत मार्च में हो सकती है। DGCA ने अलायंस एयर को शर्तों के आधार पर परिचालन की अनुमति दे दी है। DGCA ने जगदलपुर एयरपोर्ट को 2C श्रेणी के तहत ATR 72 यात्री विमान के परिचालन की अनुमति प्रदान की है। DGCA ने ईमेल के द्वारा अलायंस एयर जगदलपुर एयरपोर्ट के निदेशक को भेजकर इस आशय की जानकारी दी। इसके साथ ही बाईपास सड़क को सुधारे जाने के साथ ही एयरपोर्ट की चार दीवारी को भी सड़क के किनारे तक लाया जा रहा है, इससे और जगह एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बस्तर कलेक्टर अय्याज तंबोली ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया, अनुमति मिल चुकी है और DGCA में जो फ्लाइट इंस्पेक्टर होते हैं उनके नॉमिनेशन के बाद वहां से प्रूविंग फ्लाइट का अप्रूवल आ जाएगा। एक आध सप्ते में प्रूविंग फ्लाइट हो जाएगी, उसके बाद सामान्य तौर पे 15 दिन के बाद सेवाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जो वर्तमान व्यवस्थाएँ हैं वो पर्याप्त मानते हुए, सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करते हुए लैंडिंग की अनुमति DGCA द्वारा दी गई है। रायपुर जगदलपुर, जगदलपुर हैदराबाद, हैदराबाद जगदलपुर, जगदलपुर रायपुर। केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत जगदलपुर को यात्री विमान सेवा से जोड़ने हेतु सूचीबद्ध किया गया था। इसके तहत 2 वर्ष पहले जगदलपुर एयरपोर्ट को 2C श्रेणी का लाइसेंस मिला था। उड़ीसा की विमान सेवा बंद होने के बाद जगदलपुर विमानतल से ATR 72 विमान के परिचालन की मांग उठने लगी थी। इसके लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय की रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत जगदलपुर विमानतल में अतिरिक्त सुविधाएं जुटाकर 3C श्रेणी परिवर्तित कर यहां से बड़े विमान परिचालन की संभावनाएं तलाशते हुए अलायंस एयर को अनुमति दी थी कि 3C की शर्तें पूरी न होने के कारण जगदलपुर विमानतल का लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, किंतु 2C में ATR 72 के परिचालन की संभावना देखते हुए अलायंस एयर को अनुमति दे दी गई है। हम आपको बता दें कि अलायंस एयर को नियमित विमान सेवा संचालन प्रारंभ करने के पहले ATR 72 का लैंडिंग टेक ऑफ का ट्रायल करना होगा। संभवतः ये परीक्षण भी 5 मार्च को ही हो सकता है। जगदलपुर को विमान सेवा से जोड़ने के लिए प्रशासन ने भी काफ़ी परिश्रम किया है। कंपनी ने जगदलपुर एयरपोर्ट में बुकिंग काउंटर भी खोल रखा है। ये वायु सेवा रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से हैदराबाद, इसी तरह हैदराबाद से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर के बीच संचालित होगा। अब देखना यह है कि बस्तर वासियों को कब तक हवाई यात्रा की सुविधा मिल पाती है और ये सुविधा कितने दिनों तक चलती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना वायरस को लेकर जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने और जिले में किसी भी प्रकार के मरीज की सूचना मिलने पर समुचित इलाज और रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी निर्देशित किया गया है। विश्व स्तर पर महामारी का शक्ल ले चुके कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला स्तर पर तैयारी के लिए मंगलवार 3 मार्च को कलेक्ट्रेट के आस्था सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर अय्याज तंबोली ने कोरोना वायरस के खतरों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। हम आपको बता दें कि इसके पहले गत माह
मेडिकल कॉलेज जगदलपुर और महारानी अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड का निर्माण किया जा चुका है और डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया, कोरोना वायरस एक मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींकने से खांसने से ये फैलता है और ये चीन के युहान करके सिटी है वहाँ पहला पाया गया और उसके बाद फिर ये दूसरे देशों में फैला है ना। तो ये हमारे देश में इसके एहतियात के तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्देश मिला है कि इसके जो बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, प्रचार प्रसार, मतलब इस रोग के रोकथाम के लिए क्या उपाय है जो वो किए जाए, इसके लिए जन जागरूकता और जो स्वास्थ्य अमला है उसको इसकी रोकथाम की तैयारी के लिए निर्देश मिले हैं। तैयारी के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और हमारा जो जिला हॉस्पिटल है उसके वहाँ के डॉक्टर प्रशिक्षण में गए थे, उनको नोडल इस कार्यक्रम का बनाया गया है और प्रशिक्षण लेकर के वो आए हैं और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की रखी है। मेडिकल कॉलेज में 10 बेड, हॉस्पिटल जिला महारानी हॉस्पिटल में 3 बेड आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं हम लोगों ने और साथ ही हमारे जो स्टाफ हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ स्टाफ डेली इन चीज़ों से पेशेंट से संपर्क में कंटिन्यू रहता है तो उन लोग ज़्यादा रिस्क में हैं, तो उन लोगों के लिए मास्क वगैरह है वो उपलब्ध कराए हैं। कुछ वर्ष पहले बर्ड फ्लू के समय भी स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाई थी, लेकिन वर्तमान हालत पहले से अलग है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों का मिलना बस्तर जिले के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। प्रतिदिन लगभग 4 से 5 बसों का संचालन तेलंगाना की ओर किया जा रहा है। इस तरह बस्तर जिले से बहुत सारे लोग तेलंगाना से आ रहे हैं। ऐसी दशा में स्वास्थ्य विभाग को और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। बस स्टैंड में एक कंट्रोल रूम बनाकर आने जाने वालों की जांच की जानी चाहिए, जिससे किसी भी आपात स्थितियों से तुरंत निपटा जा सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। चाइल्डलाइन संस्था द्वारा बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास व शिशु कल्याण विभाग के सहयोग से विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बुधवार को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित कर कलेक्टर बस्तर पुलिस अधीक्षक के हाथों पुरस्कृत किया गया। चाइल्ड लाइन के द्वारा बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनके अधिकारों और उनके साथ किए जाने वाले अत्याचार से बचने के उपाय भी चलचित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया गया। चलचित्र के माध्यम से ये बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार करता है या परिश्रम करवाता है तो उससे बचने के लिए वे कहाँ शिकायत कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें छुटकारा मिल सके। चाइल्ड लाइन द्वारा बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें स्वच्छता के महत्व को भी समझाया गया। बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में बस्तर जिला कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली और बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए संबोधित किया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ शिक्षकगण भी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में आगे और भी है बहुत कुछ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे शिक्षा कर्मियों के संविलियन की खबरें। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे,
अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। वार्षिक बजट में पंचायत शिक्षकों के संविलियनकरण की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। 1 जुलाई तक 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी शिक्षकों को संविलियन का लाभ दिया जाएगा। इस खबर के सुनने के साथ ही संविलियन का लाभ मिलने वाले जिले के सैकड़ों शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। संविलियन की मांग पूरी होने पर इन शिक्षकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी पंचायत शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा कर दी गई है, जिसके चलते शिक्षक जगत में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लंबे समय से संघर्षरत शिक्षकों को ये उपहार भूपेश बघेल सरकार द्वारा दिया गया है। इस संबंध में संविलियन अधिकार मंच के जिला संयोजक प्रकाश महापात्र ने बताया, इससे पहले रमन सिंह सरकार द्वारा 7 से 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पंचायत शिक्षकों का संविलियन पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व कर दिया गया था। इस बार संविलियन की घोषणा से पूरे प्रदेश के लगभग 16,000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि बस्तर जिले में 600 से 700 शिक्षकों को संविलियन का लाभ मिलेगा। संविलियन की घोषणा के साथ ही शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। किया सरकार ने सारे शिक्षा कर्मियों का, उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमने, मेरा तो संविलियन हो चुका था पहले, लेकिन हमने 8 साल झेला उस संघर्ष को। 8 साल के बाद हमारा संविलियन हुआ, लेकिन मेरे जो साथी थे जो इस संविलियन से वंचित रह गए थे, उन्हें 2 साल बाद से ही इनका फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और सरकार का बहुत बहुत आभार इसके लिए। संविलियन अधिकार मंच के बैनर तले हमने जो आंदोलन छेड़ा था, विगत छः महीनों से इतने प्रयासरत थे जितने संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मी थे, जिनको ये बोला गया था कि 8 साल के बाद ही संविलियन होगा। आर्थिक रूप से इतने टूट गए थे कि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था, और कोई बच्चा अगर बीमार हो गया, राशन पानी तो आ जाता था, लेकिन कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसके लिए फिर पैसा कहीं से जुगाड़े, किसी से उधार ले, अगले महीने फिर तनख्वाह आएगा, वो भी 10, 12, 15 तारीख या 20 तारीख, कभी कभी दो दो तीन तीन महीने से नहीं आ रहा था। तो ये सब जो ये हमारे लिए कल का दिन ऐसा था, 3 मार्च 2020, जिसमें प्रदेश के मुखिया जी जो माननीय भूपेश बघेल जी, तो बहुत बड़ा रावण जलाए हैं कल, है ना। हमारे लिए बहुत बड़ा रावण था जो हमारे परिवार को अच्छे से चलाने के लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था, जिसको इन्होंने वध करके और हमारे सभी दुखों को हर लिया। और 3 महीने का इंतज़ार और है, बस झेल लेंगे, 3 महीना तो हो ही जाएगा। हमारा तो 7 साल हो गया, हम उनके लिए बहुत खुश हैं जो अभी अभी 2 साल पूर्ण करके संविलियन उनका हो रहा है। जी, संविलियन अधिकार मंच के द्वारा एकमात्र और प्रमुख जो मांग रखी गई थी संविलियन, जिसमें हम जो संविलियन वंचित शिक्षा कर्मी हैं जिनका 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है, कांग्रेस और प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र में यह था कि 2 साल पूर्ण हुए सभी शिक्षा कर्मियों को संविलियन कर देगी। और कल बजट सत्र में अपने अभिभाषण में हमारे परम आदरणीय प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो संविलियन उन्होंने जो संविलियन की मांग को पूर्ण करते हुए वर्ष बंधन को समाप्त करते हुए जो शिक्षक कर्मी प्रथा को समापन किया है,
उसके लिए हम उनका सादर आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के माननीय पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री जी श्री टी एस सिंहदेव जी हैं, जिन्होंने घोषणा पत्र में हमारे इस मांग को शामिल किया था, उनका भी हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ हम गत 6 माह से हमारा मंच प्रयासरत था और हमने सभी विधायकों माननीय मंत्रियों से भी मुलाकात की और सभी का संविलियन और शिक्षा कर्मियों के इस इन समस्याओं से संबंधित एक सकारात्मक रवैया था और हम सभी का हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। संविलियन के अलावा वेतन विसंगति को दूर करने की मांग भी शिक्षक संघ द्वारा समय समय पर की जा रही है। चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा भी लंबित है। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं होने से अनियमित कर्मचारी मायूस हो गए हैं। हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में लगभग 180,000 अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो अपने नियमितीकरण की बाट जो रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार विभिन्न वार्डो में शिविर आयोजित कर लोगों को स्थायी पट्टा एवं आश्रय पट्टा प्रदान करने की जानकारी राजस्व विभाग के द्वारा दी जा रही है। इन शिविरों में स्थायी पता की चाह लेकर पहुंचने वाले हितग्राही सरकार द्वारा निर्धारित भूमि की मूल्य अधिक होने के चलते निराश वापस लौट रहे हैं। वहीं शिविरों में 84 में निर्धारित वितरित किए गए पट्टा का नवीनीकरण कर हितग्राहियों को वितरित भी किया जा रहा है। शहर के विभिन्न वार्डो में शिविर आयोजित कर नगरीय क्षेत्रों में गैर रियायती और रियायती दर पर आवंटित भूमि को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने, भूमि का व्यवस्थापन, रिक्त शासकीय भूमि के आवंटन, गैर रियायती और रियायती पट्टों का नवीनीकरण, राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टे की भूमि का नवीनीकरण, नामांतरण, अतिरिक्त कब्जे की भूमि का नियमितीकरण, अवैध और नियमित पट्टों का भूमि प्रायोजन में परिवर्तन, नियमितीकरण भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी वार्ड कार्यालयों में उपस्थित होकर लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में 3 और 4 मार्च को गुरु घासीदास वार्ड में स्थित वार्ड कार्यालय में लोगों को पट्टा के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही प्रदान किए गए पट्टे का नवीनीकरण भी किया गया और नवीनीकृत पट्टा हितग्राहियों को प्रदान किया गया। नवीनीकृत पट्टा लेने के बाद हितग्राही महिला ने स्थायी पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, अंजू गुहा कहाँ रहते हैं? कुमारपारा, घासीदास वार्ड। कब से रह रहे हैं? हाँ, हम लोग तो बहुत साल से रह रहे हैं। अच्छा, ये पट्टा अभी मिला आपको? नहीं नहीं, तो 30 साल ज्यादा हो गया, अब दूसरा बार मिल रहा है भाई। अच्छा, दूसरा बार मिल रहा है। रिन्यूअल हो गया। तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। खुशी नहीं हो रहा है? और अस्थाई होता तो खुशी होता भाई, ये तो रेन्यूअल है, अगर अस्थाई कर देते सरकार तब खुशी होते। चलो चलो ठीक। शिविर प्रभारी राजस्व निरीक्षक रामचंद्र सेठिया ने शिविर के संबंध में हमें बताया। शिविर में स्थायी पट्टे की चाह के साथ पहुंचने वाले हितग्राहियों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अधिक होने के कारण निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सरकार द्वारा क्षेत्र के अनुसार जमीन का मूल्य निर्धारण किया गया है, जिसे पटाने के बाद ही भूमि का स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसके तहत संतोषी वार्ड के रामदेव बाबा मंदिर से बाईपास सड़क के बीच स्थित 1000 स्क्वायर फीट भूमि के लिए लगभग 15 लाख से अधिक रुपए का भुगतान करना होगा, जो अधिकांश लोगों के लिए असंभव है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों के लिए भी दर तय किए गए हैं, जो आम लोगों को काफी अधिक लग रहा है। अब देखना यह है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में इमली की खेप स्थानीय कृषि उपज मंडी में पहुंचने लगी है। कृषि मंडी में कार्यरत व्यापारी और हमाल इमली की खेप को सहेजने में व्यस्त है, जबकि मंडी प्रशासन इसकी नीलामी की व्यवस्था में लगा हुआ है। शहर के कृषि उपज मंडी में इन दिनों इमली की फसल की आवक व्यापक मात्रा में हो रही है। मंडी परिसर में चारों ओर इमली तोला और बोरे में भरा जा रहा है, साथ ही नीलामी की प्रक्रिया भी की जा रही है। हम आपको बता दें कि जगदलपुर इमली के मामले में एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जाना जाता है। बस्तर इलाके में पाए जाने वाली इमली पूरे देश विदेश में पसंद की जाती है। विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में इमली का व्यापार करने वाले व्यापारी भी इसके महत्व को जानते हैं। ऐसे ही एक व्यापारी ने
हमें बताया। तो जी आप ये कहां से इमली लेकर आए हैं? ये इमली लाया हूं, धनपुंजी से लाया हूं। धनपुंजी से कितना इमली है, क्वांटिटी कितना है, मतलब कितना किलो का, कितना बोरा लेके आए हो आप? हम बोरा लेके 50 बोरा लेके आया हूं। 50 बोरा, कितना किलो होगा ये? 25 क्विंटल होगा। क्या भाव चल रहा है अभी इसका? आज बिका 4,000 रुपया। 4,000 रुपया में? हाँ, एक क्विंटल 4,000 रुपया क्विंटल बिका है। हर वर्ष की तरह फरवरी मार्च माह में इमली को पेड़ से तोड़कर मंडियों में बेचा जाता है। इस वर्ष भी इमली की बम्पर फसल और आवक मंडी में हुई है। इस बारे में मंडी उपनिरीक्षक जोहनलाल ध्रुव ने हमें बताया। स्थानीय कृषि उपज मंडी से इमली को दक्षिण पूर्व के देशों और दक्षिण भारत में व्यापक मात्रा में भेजा जाता है। इमली का उपयोग खाने और उसके बीज का उपयोग दवाइयाँ और पाउडर बनाने में किया जाता है। इस तरह इमली ग्रामीण बस्तर के आय का एक प्रमुख स्रोत है। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 दिनों के अंदर हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद, ATR-72 यात्री विमान के परिचालन को मिली अनुमति। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से निपटने हेतु बैठक का आयोजन, इसके खतरों से निपटने बस्तर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। संविलियन की घोषणा के साथ ही शिक्षकों में खुशी की लहर, मुख्यमंत्री का माना आभार। और चाइल्डलाइन द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बच्चे हुए पुरस्कृत, बताया गया स्वच्छता का महत्व। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।